हेलो गाइस, वेलकम टू बी दैट चेंज। और आज इस वीडियो में मैं आपको बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज़ के फर्स्ट जॉब्स बताने वाला हूँ, यानी कि वो बॉलीवुड में मशहूर होने से पहले क्या काम करते थे, ये आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद यही है कि आप भी इन लोगों से मोटिवेट हो पाए और इनसे इंस्पिरेशन ले पाए, ताकि आपने भी जो सपने देखे हैं बड़े बड़े अपने खुद के लिए, वो पूरे हो सकते हैं, वो पूरे किए जा सकते हैं, इस पे आपको भरोसा हो जाए। सो बिना टाइम गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10 पे है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड मूवीज करने से पहले एक आइस मिल्स में काम करती थी, यानी कि जो बर्फ की फैक्ट्रीज है उनमें वो बर्फ काटने का काम करती थी, यानी कि आइस कटिंग का काम करती थी। बट उसके बाद कुछ दिनों बाद प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड भी बनी, फिर वो बॉलीवुड मूवीज़ में भी बहुत से हिट मूवीज़ उन्होंने किए, जिसके बाद अब वो हॉलीवुड में भी मूवीज़ बना रही है और खुद भी वो अपना खुद का पर्पल पेबल नाम का प्रोडक्शन हाउस भी चला रही है। नंबर 9 पे है शाहिद कपूर। शाहिद कपूर के पिताजी भी फिल्मों में एक्टर है, यानी कि इनका बॉलीवुड से ऑलरेडी कनेक्शन है, फिर भी इन्हें कोई लीड रोल पहले मिला नहीं था, कोई लीड रोल वाली मूवीज़ इन्हें कभी मिली नहीं थी, क्योंकि इनका जो पैशन था वो डांसर बनना था, जिसके वजह से ये बॉलीवुड में एज अ बैकग्राउंड डांसर इनका फर्स्ट जॉब था, जिसके बाद आज वो बहुत बड़े स्टार है और बहुत अच्छा डांस भी करते हैं। नंबर 8 पे है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा जब 10th में थे तब वो एक PCO में काम करते थे, उसके बाद उन्होंने कपड़ों की फैक्ट्री यानी कि क्लॉथ मिल में भी काम किया है, जिसके बाद वो काफ़ी सारे कॉमेडी शोज़ में एज अ कॉमेडियन काम करते थे, और आज उनका खुद का शो है जिसका नाम है द कपिल शर्मा शो, और ये सोनी TV पे आता है, और हर बॉलीवुड स्टार जब भी उनकी मूवीज़ लॉन्च होती है तब वो इस शो पे आते हैं अपनी उस मूवी को प्रमोट करने के लिए। नंबर 7 पे है सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तब उन्होंने ट्यूशन लेना स्टार्ट किया था, जिसके बाद उन्होंने कुछ साल बैकग्राउंड डांसर बन के भी काम किया, और उसके बाद उन्हें TV सीरियल में एज लीड एक्टर भी काम मिल गया था, जिसके बाद उनके एक्टिंग स्किल्स देख के और उनके पैशन से रिलेटेड उनका डेडिकेशन देखने के बाद उन्हें बहुत सी मूवीज़ भी ऑफर हुई, और आज उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी हिट फिल्में भी दे दी है। पर सैड बात यह है कि ये आज हमारे साथ नहीं रहे, और जैसा कि कहा जाता है कि कलाकार भले ही मर जाए बट उसकी कला कभी नहीं मरती, और अभी तो फिलहाल CBI इंक्वायरी चल रही है इनके डेथ से रिलेटेड कि उनकी डेथ सुसाइड थी या फिर मर्डर था, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें जस्टिस मिले और जिन्होंने भी इनके साथ गलत किया है वो जल्द से जल्द अरेस्ट हो जाए। नंबर 6 पे है रणवीर सिंह, और इन्होंने एज अ कॉपीराइटर काम किया था एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में फिल्मों में आने से पहले। नंबर 5 पे है अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन इन्होंने 8 साल एज अ मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव काम किया था कोल माइंस में, और उनकी फर्स्ट सैलरी थी 500 रुपीज़। नंबर 4 पे है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और इन्होंने दिल्ली में का जो एक एरिया है जिसका नाम है नोएडा, वहाँ पे एक टॉय फैक्ट्री थी जिसमें ये एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करते थे, पर आज ये बॉलीवुड के सबसे फाइनेस्ट एक्ट्रेस में से एक है। नंबर 3 पे है सनी लियोनी, इन्होंने जर्मन बेकरी में भी काम किया है, और साथ ही साथ ये घर घर पे न्यूज़पेपर डालने का भी काम करती थी, जिसके बाद इन्होंने एडल्ट इंडस्ट्री में एंट्री की और एडल्ट इंडस्ट्री में काम किया, उन वीडियोस में काम किया, और फिर इन्हें बिग बॉस में बुलाया था, जिसके बाद इन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारे आइटम सॉन्ग्स भी किए, जिसके बाद आज ये बहुत सी बॉलीवुड मूवीज़ खुद प्रोड्यूस भी करती है, और ये एज अ लीड एक्टर भी बहुत सी बॉलीवुड मूवीज़ में काम भी कर चुकी है। नंबर 2 पे है अक्षय कुमार, और आपको पता ही है कि ये हर साल कितनी मूवीज़ करते हैं और कितनी वैरायटी ऑफ एक्टिंग के रोल्स भी ये करते हैं, और ऐसा ही इनकी जो लाइफ है उसमें भी हुआ है कि इन्होंने पहले जो जॉब किया था वो था एज अ वेटर, फिर बाद में ये शेफ भी बने थे, फिर बाद में इन्होंने ट्रैवल एजेंसी में एजेंट का भी काम किया हुआ है, ये सेल्समैन भी बने थे एक ज्वेलरी शॉप में, और इन्होंने इस समय जब ये सारे जॉब्स कर रहे थे उसके साथ ही साथ इन्होंने मार्शल आर्ट्स भी सीखा, जिसके बाद वो मार्शल आर्ट्स के टीचर बन के भी उन्होंने जॉब किया, और उसके बाद उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला।
नंबर वन पे है रजनीकांत, और इनके बारे में आप जानते ही होंगे कि ये फिल्मों में आने से पहले एक बस कंडक्टर थे। बट आपको ये नहीं पता होगा कि इन्हें बस कंडक्टर बनने से पहले भी इन्होंने एज अ कारपेंटर भी काम किया हुआ है, और उसके बाद ये कूली भी रह चुके हैं। कुछ साल इन्होंने कूली बन के भी काम किया, जिसके बाद ये बस कंडक्टर बने। और इनकी जो स्टाइल है वो देखने के बाद एक जो डायरेक्टर थे उन्होंने इन्हें अपनी मूवी में लेने का डिसीजन लिया था। और आज रजनीकांत इतने फेमस हो चुके हैं और इनकी जो स्टाइल है वो इतनी पसंद करते हैं लोग, जिसके बाद इनके साउथ में बहुत सारे मंदिर भी बन चुके हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।